शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोगा के बादल बस कांड पर बवाल लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच पंजाब के शिक्षा मंत्री ने दिया है बेहद विवादास्पद बयान। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सुरक्षा भगवान भरोसे है। इनके मुताबिक हादसा कभी भी हो सकता है। मोगा बस कांड पर बादल सरकार घिरी हुई है, बादल परिवार पर निशाना साधा जा रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, इस बीच शिक्षा मंत्री का ये विवादास्पद बयान। सुरक्षा बना ली तुसीं की जता? देखो जिहड़ी तां इह सुरक्षा है जी, इह तां परमात्मा दी इच्छा है। इह तां आपां वी ट्रैवल रोज करदे आं, पता नहीं कित्थे की हो जाणा, एक्सीडेंट हो जाणा। नहीं बस अच उस लई अंदर कुछ ना कुछ तां नहीं, जो जो प्रकॉशन जने ओह तां बस वरती रहे आं, अग्गे वास्ते वरतांगे वी। इह दे कोई कदोर है नहीं, पर कुदरत दे मूहरे, मनसे वी कुदरत दे मूहरे कोई नहीं खड़ सकदा। तो पता नहीं कब क्या हो जाए, हादसे कभी भी हो सकते हैं, सुरक्षा भगवान भरोसे है, शिक्षा मंत्री का कहना है। मोगा में बादल परिवार की बस से गिरकर मरने वाली बच्ची के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। परिवार का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार ने मुआवजा और 20 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, उसको लेने से भी मना कर दिया और नौकरी लेने से भी परिवार ने इंकार कर दिया। मुझे ऑफर दी गई है 20 लाख रुपए कह रहे हैं और सरकारी नौकरी कह रहे हैं देने के लिए। मुझे सर ना नौकरी चाहिए, ना मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वो ऑपरेटर बस का जो मालिक है उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए। अगर मैंने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करके संस्कार कर दिया तो बात तो खत्म होगी जी। अगर ना मेरी किसी ने बात सुनी मैं उसको उठाकर चौक पे लेके बैठ जाऊंगा जी, चौक पे बिचाले अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगा उसको मैं। परिवार का आपने दर्द देखा, परिवार का ये कहना है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, ना मुआवजा चाहिए, ना नौकरी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री, राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना है कि हादसे तो होते रहते हैं। सुरक्षा बना ली तुसीं की जता? देखो जिहड़ी तां इह सुरक्षा है जी, इह तां परमात्मा दी इच्छा है। इह तां आपां वी ट्रैवल रोज करदे आं, पता नहीं कित्थे की हो जाणा, एक्सीडेंट हो जाणा। नहीं बस अच उस लई अंदर कुछ ना कुछ नहीं, जो जो प्रकॉशन जने ओह तां असीं वरती रहे आं, अग्गे वास्ते वरतांगे वी। इह दे कोई कदोर है नहीं, पर कुदरत दे मूहरे, मनसे वी कुदरत दे मूहरे कोई नहीं खड़ सकदा। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं इस पर सुन लेते हैं एक बार। आपकी बस के अंदर छेड़छाड़ होती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही गृह मंत्री हैं। वो दलित महिला आज भी शव रखकर न्याय की गुहार लगाए है, उसके शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। बादल सरकार इतनी निर्दयी बन गई है कि जाकर उनसे बात करने को तैयार नहीं, दो आंसू पहुंचने को तैयार नहीं, और अब उनके मंत्री इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये अशोभनीय है, निंदनीय है, और बादल सरकार और भाजपा कैसे सत्ता के मद में चूर है उसको दर्शाती है। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रविंदर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंदर, अगर सरकार ये कह रही है कि सुरक्षा भगवान भरोसे है, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है? अमन बिल्कुल इसी बात को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। पंजाब में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आज मोगा में 3 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के इसी रवैये से नाराज लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का बड़ा ही गैर जिम्मेवाराना रवैया सामने आ रहा है। कभी मुआवजा देने की बात की जा रही है, पहले 4 लाख का मुआवजा देने की बात की गई, उसके बाद 20 लाख के मुआवजे का ऑफर किया गया, सरकारी नौकरी का ऑफर दे दिया गया। रात को यहाँ के जो विधायक है, अकाली दल के विधायक, वो आए, उन्होंने कहा कि अगर 20 में बात नहीं बनती तो मैं इससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही गैर जिम्मेवाराना रवैया है, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक सुरजीत सिंह बादल के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, तब तक ना तो वो बच्ची का प्रमाण होने देंगे, ना ही बच्ची का अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में फिर भी अकाली दल के जो मंत्री हैं वो लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं। सुरजीत सिंह रखड़ा का जो बयान है बहुत ही शर्मसार करने वाला, और उन्होंने शायद अकाली दल के जो गैर जिम्मेवार रवैया है उसको दोहराया है इस अपने बयान से। अमन बहुत बहुत शुक्रिया आपका नपिंदर बराड़ी ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो परिवार का दर्द आपने देखा, लेकिन वाकई जिस तरह का बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है। क्या बयान दिया है, किस तरह का शर्मनाक और बेहद विवादास्पद बयान मंत्री की तरफ से दिया गया, शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह की तरफ से दिया गया, वो बयान एक बार फिर से आप सुनिए।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਤਨ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮਨਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। तो सुरक्षा भगवान भरोसे है और हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये शब्द हैं सुरजीत सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हादसे तो कभी भी हो सकते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। परिवार वाले गुस्से में उनके बयान को लेकर। यहां से पहुंची है बादल की बस, बंद की जाए सभी परमिट, उन दी बस दे बंद की जाए, जब तक जानी ये मांग नहीं पूरी होती हम यहां से नहीं उठेंगे, लड़की का शिष्कार कोई नहीं करेंगे हम। इसको हम सिर्फ एक अर्शदीप कह दे, एक गरीब परिवार की बेटी है, हम ये नहीं कहते कि हमारी बेटी है। कल वो किसी जज की बेटी भी हो सकती थी, कल किसी बड़े पुलिस अफसर की बेटी भी हो सकती थी, किसी अकाली दल के नेता की बेटी ने भी हो सकता है बस की टिकट लिया हो। जब हम बस की टिकट लेते हैं ये तो नहीं पूछते आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो इसका मतलब जब मुख्यमंत्री की अपनी बस सर्विस में ये घिनौनी हरकत हुई है तो उसके पीछे मुख्यमंत्री का जो आशीर्वाद है अपने ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, कि जाओ जो मर्जी गुंडागर्दी करो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सर अगर भगवान की मर्जी से होता तो मैं बोलता हूँ चलो कि उन तीन तुम चारों को मेरे हवाले कर दो सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो हम बोलेंगे कि भगवान की मर्जी से हम लिख लिखा कर देंगे, कोई फैसला सब फैसला अभी राजीनामा हो जाएगा। पूछिए रखड़ा साहब से कि मंजूर है उन्हें। तो माँ और बेटी को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया था, 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, परिवार का दर्द आपने देखा। पंजाब की सरकार निशाने पर है, बादल परिवार निशाने पर है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली से लेकर पंजाब तक, मोगा तक, आम आदमी पार्टी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करी, और इन सब के बीच पंजाब सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह का ये विवादास्पद बयान। सुरजीत सिंह का कहना है कि हादसे होते रहते हैं, हम लोग भी बसों में ट्रेवल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है और हादसे होते रहते हैं, सुरक्षा भगवान भरोसे है। और उनके इस बयान को लेकर विरोधी निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस निशाना साध रही है कि बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया। और इस बीच परिवार का भी दर्द सामने आ रहा है, परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। और जिस तरह का बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया उसकी हर तरफ से जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार परिवार जो है पीड़ित परिवार वो अंतिम संस्कार करने से उसने मना कर दिया है। मोगा घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बादल सरकार निशाने पर है, बादल परिवार पर निशाने साधे जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ केस दर्ज तक करने की मांग की जा रही है, लेकिन बादल सरकार में ही वरिष्ठ शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हादसे कभी भी हो सकते हैं। मोगा बस कांड के बाद अब पंजाब सरकार ने बसों में सुरक्षा के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राज्य के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव सर्वेश कौशल करेंगे। ये कमेटी बसों में सुरक्षा के उपाय बताएगी। कमेटी से सरकार ने कहा है कि बसों में सीसीटीवी और सुरक्षा के दूसरे उपकरण लगा सकते हैं या नहीं इसकी भी जांच हो। मोगा बस कांड पर बढ़ते बवाल के बीच पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि जिस बस कंपनी पर आरोप लग रहे हैं वो अविभाजित पंजाब में 1947 से बसों का संचालन कर रही है। और साथ ही उन्होंने कल ये सफाई भी दी थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी गुनहगार होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा। तो मोगा बस कांड पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने फेसबुक पर दरअसल अपना यह पूरा बयान लिखा है, उन्होंने सफाई दी है। कई लोगों को लगता है कि मैं इस मामले में खामोश था, लेकिन सच्चाई यह है कि गृह मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि जांच पर प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूं, मेरे पास गृह मंत्रालय है, और अगर मैं अपनी बात रखता तो लगता कि जैसे मैं जांच को प्रभावित कर रहा हूं। मैंने फैसला लिया है कि अच्छी तरह से जांच हो और दोषियों को सजा मिले। मैंने अपनी बात साफ तरीके से रख दी है ताकि मामले का और राजनीतिकरण ना हो। तो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मामले का। मैं इसलिए चुप था, अब तक मेरी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, मेरे पास होम मिनिस्ट्री है, और अगर मैं अपनी बात रखता तो फिर लगता जैसे मैं जांच को प्रभावित कर रहा हूं।